तुम्हारा खुद का बच्चा जिसको तुमने 9 महीने कोख में रखा, वो तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हें याद तक नहीं करता वो। इससे ज्यादा जिल्लत की बात एक औरत के लिए कुछ नहीं हो सकती। एनीवेज मानी, हरीश जी, ये भी लेके जाओ, कुछ कपड़े हैं। मेरे एब्सेंस में जो मेरे कपड़े तुमने यूज किए थे, ये वही हैं। निहारिका होकर किसी की उतरन नहीं पहनती। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो किसी का पति भी चल जाता है, तो कपड़े तो बहुत छोटी चीज है। निहारिका जी, आप मेरे बारे में जो भी बोलना चाहती हैं बोल सकती हैं, जो ताने मारना है मार सकती हैं, लेकिन मैं यथू की मामा थी, हूं और हमेशा रहूंगी। पैसों के लिए अपने बच्चे को छोड़ने वाली, चैरिटी पे जीने वाली औरत किसी की मामा नहीं हो सकती और ना ही होनी चाहिए। इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं तुमसे ये पैसे, ये कपड़े सब छीन लूं और तुम्हें सड़क पे लाके खड़ा कर दूं, निकल जाओ मेरे ऑफिस। आउट। हेलो मम्मा, कहाँ हो आप? मैं आपको वेट करा। ये तो आपको पता है, आपके मम्मा को ना आपके डैडा के ऑफिस में जॉब मिल गई है। सच्ची? अब आप डैडा के साथ डेली ऑफिस जाया करोगे? हाँ, और सिर्फ साथ ही नहीं जाया करूंगी, उनका कैबिन मेरे डेस्क के एकदम सामने है। थैंक गॉड, अब मैं हुआ ना टेंशन फ्री। अब डैडा हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। अच्छा पार्थ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्लीज प्लीज टेल नेहा फ्रॉम अकाउंट्स की मेन कैब। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। जा तो तुम बहुत पहले चुकी थी। क्या बात है, बाजपाई जी की तो ऐसी है, एक्स वाइफ और होने वाली वाइफ दोनों ही ऑफिस में एक साथ। आकांक्षा यहाँ क्या कर रही थी? मैंने बुलाया था उसे। क्यों? एक्चुअली मैं उससे पूछना चाहती थी, क्या वो तुमसे दोबारा से शादी करेगी? Chill, I'm kidding. शादी दो बार करने वाली चीज ही नहीं। क्यों? मैंने की है। I mean, मेरा एग्जाम्पल बहुत ही गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने दोनों बार गलत चुना। बट अगर तुम सही चुनो तो शादियां सक्सेसफुल भी होती हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मानो तो मानो या नहीं मानो, पर अभी तक तुम आकांक्षा को अपने दिल से निकालकर आगे नहीं बढ़ पाए। मेरे मन में आकांक्षा के लिए सिर्फ नफरत है। मानव, उस वैभव ने मेरी जिंदगी के साथ साथ छीन लिया। देखो मेरे क्या क्या हाल बना दिया। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ठीक है वैभव। अच्छा एक काम, निहारिका से मुझसे बात। निहारिका, निहारिका कहाँ जा रही? मामा ठीक हो ना?
इतनी रात हो गई, जा कहाँ रही हो? मामा। सर क्या लगता है आपको कहाँ गई होंगी? साक्षी बेटा खाना खा ले। मम्मी जी मुझे अभी भूख नहीं है, एक बार मानव जी आ जाए तो उन्हीं के साथ खा लूंगी। मम्मी जी आपकी आंख में आंसू, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। बहुत मुश्किल से तुमने अपने आप को संभाला, वरना आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ देख के फिर से तुमने अपने आप को एक मौका दिया। मौका देने लायक इंसान भी तो मिला है ना मम्मी जी। मानव जी अब बस उन्हें ये तय करना है कि वो मुझे मौका देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं। हेलो मानव जी कहाँ हैं आप? खाना साक्षी वो निहारिका जी को फिर से एंजाइटी अटैक आया। पहले तो उन्होंने गुस्से में घर में बहुत तोड़फोड़ मचाई, फिर अचानक से गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं उन्हीं के पीछे जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ जा रही हैं और क्या करने वाली हैं। अच्छा साक्षी प्लीज हेल्प ना, क्या करूँ मैं, कैसे हैंडल करना चाहिए मुझे निहारिका को? मानव जी उनकी हेल्थ के लिए इस वक्त उनका गुस्से का बाहर आना बहुत जरूरी है। ओके आप प्लीज उन्हें गुस्सा करने दे दीजिए। इसके अलावा तो और कुछ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ प्लीज ये ख्याल रखिएगा कि वो गुस्से में कहीं आपको या खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ओके साक्षी ओके थैंक्स थैंक्स अ लॉट। गेट खोलो। मैडम ये आपके बंगले का दरवाजा नहीं है और ना मैं आपका वॉचमैन हूँ जो आपके बोलने पे दरवाजा खोलूंगा। मैंने ही इसे अंदर डाला था, इसे कुछ देना बाकी है, खोलो गेट। मैडम सिर्फ 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट में SHO साहब आने वाले हैं और अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया ना तो आपको अंदर कर देंगे और मुझे बाहर। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.